class. My name is Harpreet Kaur. I'm your math teacher from Baba Kishandas Public Senior Secondary School, Village Salana, District Fatehgarh Sahib. Students, in last video, you have learned question number 6 and 7. Today we are going to do exercise 3.1, question number 8. Let me start. What is the question? The question is observe the factorization pattern and complete. आपने पहला एक सम आपको देखो सॉल्व करके दिया हुआ है, आपने उसे देखना है और नेक्स्ट जो है आपने सम करनी है. अब देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ 12 दिया हुआ है, तो 12 देखो किस टेबल में आता है. 12 आता है 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है. ठीक है, तो हम ऐसी टेबल लेंगे जो एक जो है उसके लास्ट नंबर हो वो खुद से जाने वाला हो और एक नंबर उसके साथ वाला लेंगे. 4 3 12, देखो 4 3 12. अब ये लास्ट नंबर है, 3 के आगे वो डिवाइड नहीं आ रहा क्योंकि 3 खुद से ही खुद के टेबल में ही जाता है, खुद से ही जाता है. आगे है 4. अब 4 किस टेबल में आता है? 2 2 4. इसी तरह अब देखेंगे हम 18. अब 18 देखो वो टेबल लेना है जो एक नंबर लास्ट हो, इट मींस जो उसके बाद उसकी डिवीजन ना हो. तो सबसे पहले तो देखेंगे हम 2 का टेबल, 2 9 18. तो देखो बेटा सबसे पहले लेंगे हम लार्जेस्ट नंबर 9, फिर लेंगे हम 2. अब 2 लास्ट नंबर है, 2 के 2 डिवाइड नहीं होगा आगे. ठीक है, इसकी जो है आगे डिवीजन नहीं होगी, 9 की डिवीजन होगी. 9 किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 के टेबल में आता है. 3 3 9. इसी तरह अब आपने करना है 20. अब देखो लास्ट नंबर आपने ऐसा लेना है जो सिर्फ अकेला, जैसे इन्होंने अकेला लिया ना लास्ट जो डिवीज़न ना हो उसके आगे, तो इसमें भी लास्ट डिवीज़न ऐसी ही लेनी है जिसकी आगे डिवीज़न ना हो. अब लेंगे हम, अब देखो 22 के टेबल में भी आता है, तो 2 10 20. ओके, तो अब इसको हम 2 देखो लास्ट नंबर है, इसके आगे इसकी डिवीज़न नहीं होगी, 10 की डिवीज़न होगी आगे. 10 किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है. 2 5 10. तो देखो इसके आगे इसकी डिवीज़न नहीं होगी क्योंकि ये खुद के टेबल से ही जा रहे हैं. देखो 2 2 के टेबल में ही आता है, 5 5 के टेबल में ही आता है, ये आगे डिवीज़न नहीं होगी. इस तरह आपने ये क्वेश्चन जो है ऑब्जर्व द फैक्टराइजेशन पैटर्न कंप्लीट. आपने ये नंबर देखने हैं और लास्ट नंबर वो लेना है जो आगे डिवाइड ना हो, इसकी आगे डिवीज़न ना हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पैटर्न एंड सॉल्व. आपने ये पैटर्न पहले देखना है, उसके बाद आपने उसको सॉल्व करना है. अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सबसे पहले हम 2 देखेंगे. 2 जो है इसमें लगभग कौन सा टेबल जो है 2 से डिवाइड भी हो सकता है, तो इसके पीछे देखोगे 8, तो ये इसके साथ जाएगा. पैटर्न बनाना आपने, ठीक है. अब हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो. डिवाइड करोगे जब 2 1 2 2 9 18, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 19. तो हम लेंगे 19, तो हमारा पैटर्न क्या बनेगा ए पार्ट का, 2 38 एंड 19. ओके, अब लेंगे हम 3. अब 3 देखो लास्ट में देखो कौन सा जो जाता है 3 के टेबल में, ये जा रहा है 9. 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो अब हमने इसको भी डिवाइड करना है. देखो डिवाइड करो अब 39 को 3 के साथ, 3 1 3 9, 3 3
9। अब ये क्या आ रहा हमारा 13, तो इट मीन्स हम ये लेंगे अब, तो हमारा बी पार्ट क्या आएगा 3, 39, 13। ओके, अब हम सी में अब देखो 5 है। अब जो कौन से टेबल में जा रहा है, 7 नहीं आता 5 के टेबल में, ये 5 आता है तो हम ये लेंगे। अब हमने क्या करना है, 85 को 5 के साथ डिवाइड कर देना है। 5 1 5, 35 आ गया। 5 7 35, तो अब ये लेंगे हम 17, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा 17, तो ये लेंगे हम 17। अब यहाँ पर लिखेंगे 5, ये आ रहा है 85 हमारा, और ये यहाँ पर आएगा हमारा 17। इसी तरह हम डी देखो लास्ट रह गया, अब लास्ट तो कैलकुलेशन नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। देखो 11 77 बच गया और इधर 7 बच गया, तो हम करेंगे 11 77, और यहाँ पर लिखेंगे हम 7। तो स्टूडेंट्स लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 9। आपने पहले ध्यान से पैटर्न देखना है, जैसे हमने पहले 2 नंबर उठाया है, अब 2 देखो कौन से टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में क्या क्या आते हैं, 7 आता है नहीं आता तो ये नहीं लेंगे हम, 8 आता है यस, 9 नहीं आता, 5 नहीं आता तो 8 हम ले लेंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, डिवाइड करने के बाद उसके बाद देखेंगे, डिवाइड करने के बाद तो हमारा आंसर यही आ ही जाएगा, इधर से पता ही लग जाएगा हमको कि वो कौन सा नंबर है जो यहाँ से हमने लेना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस आर द क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी एंड प्रैक्टिस इट। स्टूडेंट्स दिस इज द होमवर्क यू हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द होमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस इन योर रफ कॉपी, आफ्टर दैट पहले आप प्रैक्टिस करो अपनी रफ कॉपी में, उसके बाद अपनी क्लीन राइटिंग में आपने ये जो सम है अपनी फेयर कॉपी पे लिखने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।